आप देख रहे हैं गाजीपुर स्कूप का 10 कदम। चलिए शुरू करते हैं गाजीपुर की 10 बड़ी खबरों की बुलेटिन। गाजीपुर में अमेरिका से लौटा कुनबा कोरोना की दूसरी जांच में भी मिला पॉजिटिव। खबर गाजीपुर से है, जहां अलर्ट। स्वास्थ्य महकमे ने एहतियातन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जांच के लिए कुनबे का सैंपल VHU भेजा है। मूलतः शहर के राजेंद्र कॉलोनी के रहने वाला वह कुनबा अमेरिका से भारत में आने के बाद रिश्तेदारी में आयोजित मांगलिक समारोह में भाग लेने के लिए कुछ दिन हैदराबाद में रुका था, उसके बाद गाजीपुर लौटा था। कोरोना का शक होने पर कुनबे ने खुद एक निजी लैब में अपनी जांच कराई, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया। कुनबे को होम क्वारंटाइन कर उनके संपर्क में आए अन्य 19 लोगों का RT-PCR जांच कराया गया, जिसके बाद उनका रिपोर्ट निगेटिव आया। वहीं कुनबे का दूसरा जाँच भी कराया गया, जिस पर दूसरा जाँच भी उनका पॉजिटिव आया। CMO ने बताया कि एहतियातन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जांच के लिए उस कुनबे का सैंपल VHU भेजा गया है और अभी रिपोर्ट आना बाकी है। मालूम हो कि गाजीपुर जिले में 3 सप्ताह बाद आए कोरोना के 4 एक साथ मामले से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार अमेरिका से आए माँ बाप और 2 बेटियां कोरोना संक्रमित पाई गयी। जमानिया स्टेशन पहुंचे उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। खबर जमानिया से, जहां सोमवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री व बहराइच तथा बलिया जनपद के अतिरिक्त प्रभारी मंत्री अनिल राजभर, क्षेत्रीय विधायक सुनीता सिंह के साथ जमानिया स्टेशन के मदनपुरा रोड स्थित भाजपा नगर मंडल महामंत्री राहुल वर्मा के घर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने, अधिक से अधिक लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाने, लोगों के बीच सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं व केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे अभूतपूर्व विकास कार्यों से अवगत कराने सहित अपने अपने बूथों को मजबूत बनाने पर चर्चा की, जिसके बाद वो सामाजिक संपर्क अभियान के तहत विधानसभा क्षेत्र के महली खड़ैचा तियरी व राम नारायणपुर के लिए रवाना हुए। गाजीपुर शहर कोतवाली के रजागंज पुलिस चौकी अंतर्गत हमीद सेतु से कूदा व्यक्ति, हुई गंगा में डूबने से मौत। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के रजागंज पुलिस चौकी अंतर्गत वीर अब्दुल हमीद से सोमवार को आज एक अधेड़ ने गंगा में छलांग लगा दी। काफी प्रयास के बाद अधेड़ का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए परिजनों को घटना की जानकारी दी। आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक व्यक्ति वीर अब्दुल हमीद सेतु पर पहुंचा और गंगा में छलांग लगा दी। उस पर नजर पड़ते ही सेतु पर आवागमन कर रहे लोगों ने शोर मचाया। वहीं पुलिस को भी इस बाबत जानकारी दी गई। तत्काल पुलिस पहुंची और मछुआरों की मदद से व्यक्ति को पानी से निकालने का प्रयास किया जाने लगा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद व्यक्ति के शव को पानी से बाहर निकलवाया। पुलिस को शव की तलाशी के दौरान पहचान पत्र और मोबाइल मिला, जिसमें व्यक्ति की पहचान छपरा थाना बिहार निवासी गुरु नारायण के पुत्र निर्मल अग्रहरी, लगभग उम्र 55 वर्ष के रूप में हुई। आपको बता दें कि उसका ससुराल गाजीपुर सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के नवाबगंज में है। कुछ दिनों पूर्व ही वह ससुराल में आया था। वहीं घटना की सूचना पाकर परिजन भी मौके पर पहुंचे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डाही पुलिया से पुलिस व स्वाट टीम ने 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 3 अदद अवैध तपंचे, मय कारतूस व लूट की बाइक बरामद। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के कासमाबाद क्षेत्र के डाही पुलिया के पास से 4 अभियुक्तों को पुलिस व स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2 अदद तमंचा, 1 अदद रिवाल्वर, माय कारतूस तथा साइकिल व मोबाइल व लूट के रुपए बरामद किए गए। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि रामबाबू यादव, अभिषेक यादव दोनों शाहपुर के निवासी हैं, जो लूट के मामले में फरार चल रहे थे और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ ही संटू राजभर, ग्राम महिपालपुर मर्द तथा विशाल यादव पुत्र उमाशंकर यादव शाहपुर की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल इनके पुराने आपराधिक इतिहासों का पता नहीं चल सका है। वहीं गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष रमाश्रय राय, प्रभारी स्वाट टीम राकेश सिंह, प्रभारी निरीक्षक अशोक मिश्र, मय टीम थाना मोहम्मदाबाद शामिल रहे।
अमारी रेलवे फाटक के पास देर शाम पावरोटी बेचने वाले साइकिल सवार की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। खबर दुर्लभपुर के अमारी से है, जहां अमारी रेलवे फाटक के पास देर शाम वाराणसी से लखनऊ जा रही कृषक एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से पावरोटी बेचने वाले साइकिल सवार की मौत हो गई। मालूम हो कि रेलवे स्टेशन फाटक पर कृषक एक्सप्रेस ट्रेन के आने पर फाटक बंद कर दिया गया था। तभी दुल्लापुर थाना क्षेत्र के जलालाबाद गांव निवासी ललन राम उम्र 60 वर्ष साइकिल पर पावरोटी के डिब्बे लेकर रेलवे फाटक के नीचे से पार करने के चक्कर में ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मौत की सूचना पाकर घर के परिजनों में मातम जैसा माहौल पसर गया। मृतक पावरोटी बेचकर अपने परिवार की जीविका चलाता था। दिलदार नगर क्षेत्र के नक्सल थाना अंतर्गत 13 वर्षीय कक्षा 9 की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई में जुट गई है। नक्सल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि बगल के गांव निवासी एक युवक द्वारा 13 वर्षीय उनकी पुत्री के साथ कोचिंग जाते वक्त बलात्कार किया गया है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नक्सल थाना अध्यक्ष प्रशांत चौधरी ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। छावनी लाइन स्थित तो भाजपा कार्यालय पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मनाया गया परिनिर्वाण दिवस। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के छावनी लाइन स्थित भाजपा कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की चित्र पर माल्यार्पण किया। सभासद पुत्र व भाजपा नेता को धमकी देने के मामले में जमानिया कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया FIR। सभासद प्रतिनिधि व भाजपा नेता नारायण दास ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 में इंटरलॉकिंग कार्य का निर्माण चल रहा है, जिसे देखने के लिए वह निर्माण स्थल पर पहुंचे, जहां परवेज उर्फ बाबू मियां ने विवाद उत्पन्न कर निर्माण कार्य को रुकवा दिया। इसके बाद वह दूसरे दिन भी सभासद के दरवाजे पर पहुंचकर पुनः गाली गलौज देते हुए दोबारा वार्ड में पैर रखने पर मारपीट कर घायल करने की धमकी देने लगा, जिस पर डायरेक्ट 112 पुलिस और थाना प्रभारी को फोन कर घटना से अवगत कराते हुए संबंधित के खिलाफ लिखित तहरीर देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। कोतवाल संपूर्णानंद राय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच जिले के 27 केंद्रों पर हुई RO और ARO की परीक्षा। पहली पाली में 5,030 तथा दूसरी पाली में 5,090 ने छोड़ी परीक्षा। खबर गाजीपुर से है, जहां समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को 27 केंद्रों पर हुई। इस परीक्षा में 11,298 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। पहली पाली में 5,030 तथा दूसरी पाली में 5,090 परीक्षार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। शहर के राजकीय सिटी इंटर कॉलेज, MH इंटर कॉलेज, DAV इंटर कॉलेज सहित कई कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। गाजीपुर जिला पूर्ति अधिकारी ने दी जानकारी, दिसंबर से मार्च तक अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को मिलेगा नमक, चना और रिफाइंड तेल। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी दी है कि शासन के निर्देश पर दिसंबर माह से मार्च 2022 तक अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न के साथ ही 1 किलोग्राम आयोडीन नमक, 1 किलोग्राम साबुत चना और 1 लीटर रिफाइंड का खाद्य तेल निःशुल्क वितरित किया जाएगा। इसी के साथ ही गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 5 किलो खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। शासन के निर्देश पर यह वितरण किया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी ने तमाम जानकारी दी। हर दिन गाजीपुर की ऐसी ही 10 बड़ी खबरों की बुलेटिन को देखने के लिए आपके अपने चैनल गाजीपुर स्कूप को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।